नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से, और आज मैं हूँ अहमदाबाद के सैटेलाइट एरिया में, और मेरे साथ हैं समद जी। Hi. जो कि पिछले कितने महीने से सर टाटा डी फाइव मंथ्स पिछले 5 महीने से करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा समद जी के बारे में जानते हैं। तो समद जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका अहमदाबादी है शुरुआत से? हाँ, अहमदाबादी मेरा बेस रहा है। बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ लास्ट 12 साल से। अभी मैं काम कर रहा हूँ रायकेम करके, क्लच वाली कंपनी में। उससे पहले मैं था टाटा मोटर्स में 6 साल के लिए, और उससे पहले वॉल्वो आइशर में 5 साल के लिए। टाटा मोटर्स में आप जो काम किया करते थे, क्योंकि तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में नहीं था, कौन सी गाड़ियां आप बनाया करते थे? मैं रेगुलर जो है ईसी इंजन है, आईसी इंजन है, पेट्रोल और डीजल वो वाली गाड़ी है। अच्छा, नैनो बन रहा है सानंद? नैनो भी बनाई हमने। नैनो बनाए, और क्या क्या बनता है सानंद? नैनो, टियागो, टिगोर। अच्छा, तो मतलब ये वाली गाड़ी आपकी सानंद में भी बन रही है? यस। और इसका क्या पूरा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होता है या चाइल्ड पार्ट पुणे से आते हैं? चाइल्ड पार्ट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर गाड़ी असेंबल होती है। पेंट शॉप है वहाँ पे? पेंट शॉप है, फुल फ्लेंज पेंट शॉप। ठीक। तो एनीवे, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एक नैनो भी है। हाँ। आपके पास टिगोर भी है, तो टाटा परिवार के एकदम। अच्छा, और भी है? थार, महिंद्रा, टाटा महिंद्रा, दोनों इंडियन फैमिली। ठीक है, ठीक है। तो समर जी, थोड़ा सा अभी गाड़ी के पास चलते हैं। तो रफली कितना ड्राइविंग होता है आपका दिन का? मेरा डेली कम्यूट है 60 किलोमीटर का। अच्छा। मेरा ऑफिस 2 है 30, फ्रो है 30। अच्छा, 60 किलोमीटर। और टिपिकली एसी हमेशा ऑन रहता है आपका? यस, एसी इज ऑलवेज ऑन। अहमदाबाद में तो कोई आपके पास चॉइस नहीं, चॉइस है, उतना तो रफली होना ही पड़ता है। ठीक है। तो मेरे को 3 अच्छी चीज़ें बताइए जो आपको गाड़ी के बारे में पसंद आए। बेसिकली इसका जो, हालांकि मैं बहुत ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं बहुत रफ ड्राइवर हूँ, सो स्पीड आई ऑलमोस्ट 30-40% टाइम मेरी गाड़ी स्पॉट मोड में चलती है। अच्छा। सो इफ़ यू हैव द ईवी, यू डोंट नीड एनी सुपर कार और स्पोर्ट्स कार, आप अपने वो शौक इसी में पूरा कर सकते हो। सो फर्स्ट इज दैट। सेकंड, सबसे बड़ी आपको लगता है स्पोर्ट्स मोड, और आप मतलब फेरारी को कंपटीशन देते हैं अहमदाबाद के रोड पे। यस, बढ़िया। और सेकंड है इसका जो इकोनॉमिकल है, वो तो है ही, मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है 10 किलोवाट। अरे वाह, क्या बात। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सन टू व्हील, मतलब आई हैव मैंने कभी भी फास्ट चार्ज भी नहीं किया है गाड़ी को। आई हैव ऑलवेज डन स्लो चार्ज घर पे रात को। सो आई हैव नेवर, इट हैज नेवर कॉस्टेड एनी मनी फॉर द सेम। एंड थर्ड, आई फील बीइंग एट होम, बिकॉज इससे पहले भी मेरे पास टिगोर ही थी, आई सी इंजन। सो आई लाइक दिस सेडान और दिस डिजाइन इटसेल्फ। So this three would be the टिगोर के बारे में, क्या डिजाइन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या पसंद आता है आपको टिगोर? टिगोर एक्चुअली स्टाइल बैक है, तो जो पीछे का जो स्टाइल है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। ठीक है। एंड ड्यू टू द सेम आपको बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिलता है। इसमें थोड़ी सी कम है हालांकि बूट स्पेस, कंपेयर टू दैट उसका 419 था, इसका 316 है, क्योंकि टायर आपका बीच में आया हुआ है। अभी तक टायर कभी इस्तेमाल किया है वो? नहीं। ठीक है, तो टायर निकाल देना चाहिए आपको लगता है? हाँ, यस, इफ यू आर ऑन द वे, लाइक आपका डेली कम्यूट है, हाईवेज नहीं है ज़्यादा, तो फिर यू कैन रिमूव इट फॉर द लगेज। राइट। तो ये हो गया आपको जो पसंद अच्छी आने बात वाली है। ठीक है। अब जाहिर है कि आपको पता है अगला प्रश्न क्या होने वाला है, और आप टाटा के एम्प्लॉय रह चुके हैं। ठीक है। तो अगर एक दो चीज बदलवाना चाहेंगे आप कंपनी में, तो वो क्या होंगे? फर्स्ट तो मतलब ऑब्वियस लोग भागते हैं बैटरी, बट आई विल नॉट गो फॉर दैट। बैटरी जो भी है ठीक है विद द सिटी गवर्नमेंट, बट यस, बदलना चाहूँगा फर्स्ट इज़ द टायर, बिकॉज व्हील स्पिन होता है, दिस टायर इज नॉट अप टू द मार्क। पर वो तो आप स्पोर्ट्स मोड वाले आदमी है, शायद नॉर्मल मोड वाले आदमी को ये व्हील स्पिन का प्रॉब्लम नहीं आता। वो भी हो सकता है, बट यस, अगर मैं बोलूँ तो उनको ऑप्शन देने चाहिए कि आपको नॉर्मल लेने हैं या आपको थोड़े से रगड़। एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ेगा, द मोमेंट आप टायर का ट्रेड चेंज करेंगे तो आपका रोड फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। नहीं, पिरेली वगैरह के आते हैं वो। अच्छा। आपको एक डाउन साइज जाना पड़ेगा। अच्छा। तो आपको पिरेली वगैरह में आते हैं, सो दैट विल गिव यू मोर कुशन, और उसमें काफी वो अच्छा रहता है। सेकंड इज लाइक इंटीरियर, जो बोलते हैं लोग कंपेयर करते हैं, इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हो और आप 6-7 लाख के गाड़ी का इंटीरियर आपको मिल रहा है, सो दैट इज, but that's not a big downer. क्या चेंज करवाना चाहेंगे, मतलब if I were to ask you? बिग डाउनर उसमें क्या है, जो गिज़मोज़ है फैमिलीज को वो ज्यादा पसंद है, जैसे कि रियर एसी वेंट हुआ। सो दिस आर वेरी नॉर्मल थिंग, बेसिक थिंग, जो कि कर सकते हैं। मैं भी, मेरी
प्रीवियस कंपनी थी, इसलिए मैं उनको उतना ही चैलेंज कर सकता हूँ जितना कि मैं जानता हूँ उनको। नहीं नहीं, और वाकई में हम लोग बॉम्बे से अहमदाबाद आज आए, मतलब कल आए, तो पीछे वाले को गर्मी लगती है, और शायद जो आप रियर इसी इवेंट की बात कर रहे हैं वो तो लाइक बनता ही बनता है। टाटा मोटर्स जी प्लीज सुन लीजिए, ठीक है, अगले वाले मॉडल में ये वाला आई थिंक कोई एक्सेसरी मिलना चाहिए जिसमें से अपन ये कर सकते खुद से, आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया। ठीक है, बढ़िया। तो ये दो चीज थे, बाकी थोड़ा सा आपका सर्विस के मामले में क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब अभी तक मेंटेनेंस का कुछ? सर्विस नहीं, अभी तक कोई मेजर मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मल एक जो थी 1000 पे वो करवाई है, और एक 7500 पे थी, 7500 उस पे कराई है, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब वो बेसिकली वो जो ऑयल चेंज और ये सब वगैरह वगैरह कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसमें वो सब नहीं रहता है ना? नहीं, वो शायद पहले वाले में या दूसरे वाले में होता है, दूसरे वाले में होता है, बट इट नेवर कॉस्ट दैट मच। वो तो फ्री सर्विस में आए, फ्री सर्विस में ही आए। तो ये हमने अभी टिगोर का बॉनेट खोल दिया है, तो इसमें अभी तक आपने कोई टॉप अप किया है ब्रेक फ्लूइड में, या आई थिंक ये वाला क्या है, ये ब्रेक फ्लूइड, ये इसका रेडिएटर का पानी का होगा, कूलेंट का होगा, कूलेंट का है, ठीक है। ये वाला क्या है? ये वाला सेम है, ये अच्छा दो अलग दिए हुए, ये तो आपका विंडस्क्रीन वॉशर, विंडस्क्रीन वॉशर, ठीक है। तो ब्रेक फ्लूइड का कहाँ पे, ब्रेक फ्लूइड का भी तो अलग, हाँ ये ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड पीछे, ब्रेक फ्लूइड का पीछे, ठीक है। तो अभी तक कोई टॉप अप, ये जो कूलेंट का टॉप अप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब 10000 किलोमीटर हो गया और कूलेंट की टॉप अप करने की जरूरत ना पड़ी, नहीं बढ़िया। और क्या, चार्जिंग अभी चल रहा है अंदर, किचन के अंदर से 15 एम्पीयर का प्लग पॉइंट लिया हुआ है, ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो आपने वॉल माउंटेड चार्जर नहीं लिया? नहीं, एक्चुअली दो चीज थी, एक तो मुझे वो आगे मेन लाइन से पीछे लाने का कॉस्ट भी काफ़ी था, और ये ऑलरेडी मैं टाटा मोटर्स ने हेल्प की थी जब टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए, तो तभी हमने नेक्सॉन इधर लगा के सेम ऐसे चार्ज किया था। हाँ, तो नेक्सॉन के बारे में आपने जब बोला मेरे को, तो काफी सारे लोगों का नेक्सॉन वर्सेस टिगोर का एक दुविधा रहती है मन में कि भैया 2 लाख का खर्च का सिर्फ फर्क है, 3 लाख तो नेक्सॉन, 3 लाख चलो ठीक है, तो नेक्सॉन क्यों नहीं? तो आपका क्या सोच विचार था उसमें? बेसिकली नेक्सॉन एक एसयूवी है जो कि 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस है वगैरह, तो आपको सही में एसयूवी लेना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिक को कभी भी कोई एसयूवी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी ड्यू टू एरोडायनेमिक शेप है, प्लस आप जिस जगह पे जाते हो एसयूवी वगैरह में तो वो आपका डेली रूटीन नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी अभी भी आपके डेली रूटीन के लिए है, डेली डे टू डे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो कंप्यूटर बोलते हैं उसके लिए है, तो इसलिए मैंने मेरे पर्टिकुलरली मेरे केस में इसलिए मैंने एसयूवी नहीं लिए, और मेरे पास ऑलरेडी थार थी तो मेरे पास एक प्रॉपर एसयूवी थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, नेक्सॉन सेफ है, तो सेम ये भी उतनी ही सेफ है, सेफ्टी रेटिंग भी अच्छा है। सो नेक्सॉन में आपको 30 किलोवाट में 312 किलोमीटर्स मिलते हैं, सेम आपको 26 किलोवाट में 306 मिलते हैं। सो दिस इटसेल्फ शोज़ कि एरोडायनेमिक कितना बड़ा फैक्टर है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोगों को हमेशा सेडान या उस क्लास में जाना चाहिए। सो बेसिकली ईवीज़ हैज ब्रिंग बैक द सेडान स्टाइल। ओके, तो ये है हमारी टिगोर गाड़ी जो हम बॉम्बे से लेके आए, और समर्थ जी ने काफ़ी हमें मदद की है एक बार स्लो चार्ज करने के लिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी को कंटिन्यूस फास्ट चार्ज पे नहीं चलाना चाहिए। कल हम लोग ऑलरेडी 2 बार फास्ट चार्ज कर चुके हैं, तो इसलिए हमने उनकी मदद ली, और गाड़ी अभी 95% चार्ज हो गई है, और आखिरी 5% चार्ज हो रही है यहाँ पे, और हमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो हमने समर्थ जी को पूछा कि क्या उनको भी ऐसे एक एक्सपीरियंस आया है। यस, सो ये हमेशा जो ब्लास्ट के 5-10% रहते हैं तो उसमें बेसिकली ये कूलिंग मैकेनिज्म है, सो नाउ इट बैटरी इज गेटिंग कूल्ड, सो अभी ये 5% में ये कूलिंग फैन की ज़्यादा आवाज़ आती है, ये नॉर्मल है आवाज़, ये कोई एबनॉर्मल आवाज़ नहीं है, और ये होने के बाद जैसे ही आप ड्राइव करोगे तो तब आपको टोटल बैटरी एंड टोटल जो BMS बोलते हैं सिस्टम वो एकदम ऑप्टिमाइज मिलेगा और ये कूल डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली हमको ये बताया गया है कि इसका जो बैटरी है वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे रहता है बिकॉज ऑफ कूलिंग, तो उसकी वजह से आपका बैटरी का परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों बढ़िया रहता है। ओके, चले चले। तो ये है समर्थ जी का, क्या बोलते हैं, बिजली जनरेशन का पावर हाउस, ठीक है, और 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट का कितना यूनिट इसका एवरेज जनरेट हो जाता है एवरेज समर में? समर में अभी पर डे का 50 के आसपास है। अच्छा, 50 यूनिट, 50 किलो, बहुत बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो यहाँ का कमर्शियल रेट 7-8 रुपए के आसपास आपका घर का रेट है। अभी मेरा जो रेट है वो 7.5 रुपए है, 7.5, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो कि
400 रुपए के आसपास का आपका बिजली रोज का बन रहा है इसमें। यस ठीक है। सो आउट ऑफ दैट 50 यूनिट 10 यूनिट्स पर डे मेरा व्हीकल कंज्यूम करता है और 10 टू 15 यूनिट सभी एसी यूज करता है समझ। ठीक है। और बाकी फिर आपको सरकार पैसा देती है या मुफ्त दान दक्षिणा चले जाते हैं? नहीं नहीं, पैसा नहीं देती है, बट बेसिकली क्रेडिट रहता है वो, तो पर यूनिट 2.5 रुपीस क्रेडिट रहता है। आपका विंटर में भी जनरेशन कम हो जाता है तो एवरेज में वो बैलेंस आउट हो जाता है। यस ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, वहाँ जो मेरे को दूर के पैनल दिख रहे हैं उसमें काफी धूल मिट्टी लगी हुई है, तो उसको साफ करने का क्या प्रोविजन? ये अभी स्प्रिंकलर का वो हमने किया है ऑर्डर। अच्छा। सो पहले एक लगाया था बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था, सो अभी स्प्रिंकलर इधर लग जाएंगे, उसके बाद वो सफाई का वो हो जाएगा पूरा क्या पूरा। हाँ यस ठीक है। और ये आपको इससे शेड भी मिल रहा है, मतलब कि नीचे जो रह रहा है जो रूफ है दिन में तपती कम है क्योंकि बिजली जो सारी एनर्जी है सोलर वो आपके पैनल पकड़ लेती है और नीचे तक उसको गर्म नहीं। तो अभी यस इंडिया में अभी ये कंसेप्ट ही लाना चाहिए कि कोई भी पार्किंग जो है तो पार्किंग पे नॉर्मल शेड बनाना ही नहीं चाहिए आपको, पार्किंग में हमेशा सोलर शेड दे दो। बिकॉज आपका यही सेम मैंने नॉर्मल शेड करवाया था, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.5 लाख। ओके। और अभी मैंने ये शेड कराया, ये 4 लाख। ठीक है। हाँ, शेड के दुगुना या तिगुना दाम में आपको सोलर इंजन जनरेटर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पार्किंग के ग्राउंड लेवल पे आपको शेडोज का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा कंपेयर टू रूफ। थैंक यू समर जी हमारे साथ समय देने के लिए और हमारे गाड़ी को चार्जिंग की फैसिलिटी देने के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा। आपके जिस दिन 1 लाख किलोमीटर पूरे हो जाएंगे हम लोग फिर से आएंगे आपको पूछने के लिए और क्या मजा है आपके फेरारी वाले टिगोर में। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू।